सेक्शन हो गया, हम लेंथ में और अच्छा लुक देना है। लेयर कट सीखने के लिए छोटे छोटे सेक्शंस बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा सेक्शन लोगे तो कट में लुक नहीं आएगा। लॉन्ग हेयर है क्लाइंट्स के और अपन को कट करना है थोड़ा सा, ठीक है ना, ज़्यादा लेंथ कम नहीं करनी है, कम लेंथ में और अच्छा लुक देना है। तो अपन जितना हो उतने पार्टीशन इक्वल करेंगे। ये दो पार्टीशन अपनी हो गई, सेकेंड पार्ट में पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन देखो, चेक करने के लिए सबसे पहले हेयर को ऐसे लो आगे से आगे की तरफ, फिर आप यहाँ का हेयर और यहाँ का हेयर बिल्कुल इक्वल पार्टीशन आगे देखिए। सेकेंड पार्टिंग हो गई, अब अपन यही खड़े हैं तो थर्ड पार्टिंग भी कहाँ से शुरू कर देंगे, यहाँ से। अब ये थर्ड पार्टिंग हो गई, अब थर्ड पार्टिंग पे लॉक करो। पार्टिंग पे क्लिक, ज्यादा ही क्लिप खोलो। अब ये अपना फोर्थ सेक्शन है, ठीक है ना, फर्स्ट वाला सेक्शन। अगर आप चाहो तो कटिंग बैक साइड से भी शुरू कर सकते हो, ज्यादा बेटर कैसा रहेगा। इनसे पूछेंगे कि भाई आगे आपको फिलिप्स में शॉर्ट चाहिए, कितना चाहिए फ्रंट जो कट है, मुझे शोल्डर लेंथ से शुरू होना चाहिए, तब क्लाइंट बस सीधा करना, उसके बाद में आप शोल्डर लेंथ यहाँ आ रहे हैं। ये लेंथ की कट यहाँ शुरू कर दिया। इसको करने का, लेयर्स को करने का तरीका यही है, फिंगर्स में हेयर लिया और इतना कट कर दिया, फिर वापस इसको दो से तीन बार किया, वापस कट कर दिया, वापस दो से तीन बार कट किया, फिर वापस ऐसे कर दिया, क्यों कॉम के बगैर कट में लुक नहीं आएगा, कॉम आपको फेरना है बार बार। अच्छा, स्टेप अलग है, कटिंग अलग है और तरीका सेम है। हाँ, तरीका सेम है, कैसे हाँ, ठीक है ना। ये हो गया, अपन ने फर्स्ट कट में इतना दे दिया, फिर वापस इतना, फिर वापस इसको ऊपर ले जाके अपन चेक करेंगे। इस स्टेप के लेयर में भी ऐसे ही कभी आ रहे हैं तो लेयर एकदम नहीं बनता है तो क्या करोगे, फिर वापस ऊपर का तरीका यूज कर लो। हाँ, या इस तरीके से फिर इसको वापस ऐसे रखो, फिर इसी के लेवल के लिए आप फर्स्ट कट के ये सेकंड वाला बता दो, वो पता चल जाएगा ना कितना इंच का गैप रखना। फेस वॉश फ्री था ना, सेकंड पार्टिंग पे। अब बाल है देखो इतने लंबे, तो अपन को लेंथ इतनी थोड़ी ना उड़ाएंगे, यहाँ से ऐसे करते हुए अब गर्दन सीधी रखो। अब आप इस हेयर को भी साथ में ले लो, इतने हेयर पे लेयर्स आया, अपन ने कितना दिया इसी लेयर, मैंने कौन कैसे